सो गाइज, मैं ये फ़ोन जो है ना दैवे वाला, मतलब ये इसको दिखाना था। हमारी बात हुई थी 1:45 की और उसने इतना टाइम लगा दिया कि भाई अब दैवे कह रहा था मैं भी साथ चल लेता हूँ। मैंने कहा चल आ जा। मैंने पहले कहा मैं फ़ोन दिखा के ला रहा हूँ। मैंने कहा इससे तू ऊपर बैठ, मैं फ़ोन दिखा के ला रहा हूँ। कह रहा नहीं मैं भी चलूँगा। मैंने कहा ठीक है भाई चल ले फिर, और उसके रिएक्शन लेते हैं उसको कैसा लगा फ़ोन। सो गाइज, ये ट्यूशन के लिए तैयार हो रहा था तो हम नीचे ही आ गए, मैं शूट करना भूल गया। हाँ भाई, अब बता तो कैसा लग रहा फोन भाई? अच्छा लग रहा है, बढ़िया है, बहुत बढ़िया भाई। मैं भी लूंगा कभी। मैं लेट हो गया लग रहा है मुझे, इसलिए मैं खा रहा जा तो लिया। मैं भी अपग्रेड करूंगा, अभी भाई ने अपग्रेड करा। भाई का तो 3 कैमरा आएगा। हाँ मेरे तो 3 ही आते हैं हर समय, मेरे को 2 कैमरा पसंद नहीं। अभी मेरे पे 3 ही है ना। हाँ अभी भी 3 ही आएंगे, ज्यादा वहम है कहीं है। जा ले जा। चलो गाइस चलते हैं। मेरा एक पावर बैंक भी आया, मैं आपको वो भी दिखाता हूँ। एम्ब्रेन का था, बढ़िया कंपनी का है, 20,000 mAh का, बहुत कॉम्पैक्ट साइज में, तो मैंने इसलिए मंगा लिया था। अब उसको भी दिखाता हूँ आपको। चलते हैं पहले घर पे, आपको पावर बैंक दिखाता हूँ। सो गाइस ये देखो, ये है पावर बैंक का डब्बा। भाई ये देखो डब्बा कितना बड़ा है, और इसके अंदर पावर बैंक दिखाता हूँ आपको अभी। सो गाइस ये डिब्बा है, और हमारा अनबॉक्सिंग का औजार जो है वो आ चुका है। लो भाई लगाओ, दिखाओ भाई एक बार। चल तू कर अनबॉक्स कर भाई। पूरा ही काट दे, काट दे। नहीं नहीं गत्ते ही काट देते, टेप की बात। भाई अंदर देखो पावर बैंक कितना बड़ा है। अबे भाई ये तो देखा, मेरी लेमिनेशन भी कह रहा था ना मैं, पावर बैंक का डिब्बा इतना बड़ा, पावर बैंक कितना बड़ा। ये गाइस 20,000 mAh का, बहुत छोटा है। और जो मेरा पाला वाला पावर बैंक था, मैं आपको वो भी दिखाता हूँ एक बार, रुको। सो गाइस ये देखो, ये था हमारा MI वाला, जिसकी हालत थोड़ी सी ख़राब हो चुकी है। अब ये देखो सब कुछ दिख रहा है इसमें से, बढ़िया एकदम। ये खोल रहा है, खोल दे। ये कॉम्पैक्ट साइज में था, 20,000, थोड़ा सही भी पड़ रहा था, इसलिए मैंने मंगा लिया वाला। ओह येलो कलर का मंगाया था मैंने, थोड़ा सा अट्रैक्टिव लगे इसकी वजह से। ये देखो गाइस, इसमें एक ब्लैक कलर अवेलेबल था और एक येलो था। लिया इसमें सी टाइप है चार्ज करने के लिए। भाई केबल छोटी है पर दे रखी है। मैंने अभी एम्ब्रेन की एक और केबल मंगाई थी, और भाई जो फील है काफ़ी बढ़िया है इसकी। और यहाँ से बटन दे रखा है, 3% चार्ज है। इसमें ये बटन है, इसमें एक ऑटो मोड आता है, मतलब हम जैसे कनेक्ट करेंगे इसमें टाइप सी से इस वाले पोर्ट से, तो ये ऑटो चार्ज करने लग जाता है। पर जैसे वो लैंप वैम्प आते हैं ना, जो लैंप जलाने वाले आते हैं, जो पावर बैंक से, मतलब जो ऐसे पीछे टाइप ए रहता है मोटा वाला जो रहता है, उससे लैंप जल जाते हैं, तो उसके लिए हमें ये बटन दबाना पड़ेगा पहले, फिर जाके वो लैंप जलेगा। अब इसको टेस्ट वेस्ट करते हैं, थोड़ी चार्जिंग है इसके अंदर, फोन वोन चार्ज करके देखते हैं। मैंने एम्ब्रेन की केबल भी मंगाई थी, पता नहीं कहाँ पड़ी है वो, तो अभी इसको टेस्ट करते हैं। और पहले आईफोन 11 भी इसका प्राइस लगा के आना है, तो इसका भी चलते हैं। मैंने सोचा एक बार कैशिफाई पे भी पूछ ही लूँ कि कितना जा रहा है। मैंने इसको रीसेट वीसेट तो कर दिया पूरा, सब खाली हो गया पूरा फ़ोन। देखो आपको स्टोरेज दिखाता हूँ इसकी, आपको इससे पता लग जाएगा। 116 GB अवेलेबल गाइस। अभी इसको पूरा अच्छे से पैक कर रहे हैं, ये डिब्बे को बाहर फेंक देते हैं। अभी हम कैशिफाई वाले स्टोर की बात कर रहे थे कि वो क्या कहेगा, कैसे कहेगा। ले रख दे अच्छे से। अभी इसको स्विच ऑफ नहीं कर रहे, ऑन ही रहने देते, क्योंकि वो टेस्ट वेस्ट करेंगे ना थोड़ा। रीसेट तो मैंने कर ही दिया है। लगा दे डिब्बा। एप्पल स्टिकर निकाल लिया हमने, एप्पल स्टिकर का क्या करेगा कोई, हर कोई निकाल लेता है ये तो, यूज ही कर लेता है। सो गाइस आ गए हैं, ये रहा मेट्रो स्टेशन वैशाली का, ये रहा फोन हमारे हाथ में। अब आगे अंदर चलते हैं, अंदर अलाउड नहीं होगी वीडियो, और मैं बनाऊंगा नहीं, बाहर आके बताते हैं आपको क्या बोला उन्होंने। गाइस ये रहा कैशिफाई स्टोर, यहाँ एंट्री घुसे हम, अंदर आके यहीं पे है। गाइस रेट हमें सेटिस्फैक्टरी नहीं मिला, फोन नहीं पड़ा, तो जो रेट था हमारा सेटिस्फैक्टरी नहीं है। अब हम जाएंगे एक, जहाँ मैंने आपको कल वाले ब्लॉग में दिखाया था पांडे वाले भैया पे, उन्हीं पे चल के अब इसको फाइनल डील करता हूँ, और कहीं नहीं पूछना अब। गाइस हम यहाँ तक आए गए थे, इन्होंने कहा शाम को आ जाना लेने, तो मैंने कहा इतनी दूर आए गए चाय भी ले लेते भाई से। भाई ने कल मेरे को देखा था वीडियो बनाते हुए, जब मैं रिक्शे वाले भैया को ले रहा था ना, तब देखा था इन्होंने, कह रहे थे वीडियो बनाते। मैंने कहा हाँ भाई व्लॉग सा बनाते हम थोड़ा बहुत आपको मनोरंजन के लिए आपकी, तो वही। सो गाइस अभी यहाँ पे मम्मी की कॉल आई थी, मम्मी पापा थोड़ा जल्दी आ गए, उनको जाना है फंक्शन में एक रात में, जो नीचे बिल्डिंग में हो रहा है ना, आपने देखा होगा, तो उसके बाद नहीं देखा तो अभी दिखा दूंगा। तो उसके मम्मी पापा जल्दी आ गए, तो मम्मी ने कहा चाय के साथ कुछ खाने के लिए लिया, तो यहाँ से पकौड़े पैक करा रहे और लड्डू पैक करा रहे, उसको भी लेते हैं, फिर चलते हैं घर।
और वो जो भाई है उन्होंने कहा है कि मैं आपको शाम में बताता हूँ, उनके जो भैया हैं बड़े वाले पांडे भैया जो है इनके मेन ही है, तो उन्होंने कहा पैसे उन्हीं पे हैं तो वही देंगे, तो अभी वो कहीं जा रखे हैं तो उसकी वजह से थोड़ा सा लेट हो रहा है, जब वो आएंगे तो ये बताएंगे। मैंने नंबर ले लिया इनसे कॉल करके पूछ लो, हवा की आवाज़ ना आ रही हो शायद, ले लिया है गाइस। अब चलते हैं भाई, फ्रॉन्क्स भी बहुत सारे लोग ले रहे हैं यार, बढ़िया लग रही है क्या आपको भी? पर जो हमारी क्या कहते हैं बलिनो आती है ना, अगर उसको छोड़ के लोग फ्रॉक्स नहीं ले रहे तो बहुत बेकार काम कर रहे हैं मेरे पर्सपेक्टिव से, अगर जिसे लेनी ही है। बढ़िया लगती है फ्रॉक्स के लुक जो है, लैम्बोर्गिनी उरस है सुजुकी वालों की। और पर लेनी है तो भाई ये नहीं टर्बो, लो टर्बो वेरिएंट भाई, हाँ बढ़िया है 1.0 का, बस टर्बो बढ़िया लगता है क्योंकि इनका इनका इंजन छोटा है ना, इनकी एवरेज भी बढ़िया होगी 1.0। अब भाई बीस्ट आ गई यार, ये तो बलिनो भी कार है, ये ऑटो भी कार है, ये गाड़ी बढ़िया है, ओ भाई साहब वाइट में बढ़िया लगती है, और वो सामने थार हो गई वो भी अपनी बढ़िया है, ये दो गाड़ी बढ़िया है बस, पीछे तो दिखी नहीं। इसुजु फीसुजु फॉर्च्यूनर फॉर्च्यूनर सब बेकार गाड़ी, सब छल्ली खाने जा रहे हैं अभी। अबे तू कहाँ से आ गया हमारे ब्लॉग में, दोपहर तक तो नहीं था तू? ऐसी है भाई सिस्टम, इंस्टम सिस्टम होता है पागल वो, ओ भाई इंस्टम बोल रहे सिस्टम में ऐसा चोटा मारा तो यहाँ से, ओ ये बताने वाली चीज नहीं थी, चुप क्या हो गया, ये ब्लॉग हमारा कोई बच्चा नहीं है, ये ब्लॉग में नहीं बताना था, सुजल ने मना करा था, तुझे बताया उसने? हाँ गाइज हम अभी छल्ली खाने जा रहे हैं पूरा, अभी इस पे खाते हैं पहले फिर इसकी स्टोरी सुन लेते हैं। तो गाइज अब पूरी अच्छे से रात हो चुकी है, मैं घर पर आ गया हूँ दीपांशु के पास से भी, और जो है ना रुको मैं पहले अच्छे से कर लूँ, मैंने उनको कॉल मिलाई ठीक है, तो वो कह रहे हैं अभी पैसे को जुगाड़ नहीं हो पाया तो उन्होंने कहा बाद में लेंगे आईफोन, मैंने कहा चलो ठीक है, पहले मैं दोपहर में गया उनका आपको देख लिया वो वाला, तो हो नहीं पाया उनसे तो कल तक लेते हैं, या मैं एक बार इंस्टा पर स्टोरी लगाया था फ़ोन की तो देखते किसका रिप्लाई आया था, किसी को चाहिए होगा तो है भाई क्या इंस्टा पे लगाने का सही आइडिया कि इंस्टा पे स्टोरी लगा लूँ फोन बेचने के लिए, लगा ले है ना, कर सकते हैं ऐसा। सो गाइस यही करते हैं और देखते हैं क्या क्या रिप्लाई आते हैं लोगों के। सो गाइस अगर आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, मैं आपसे मिलता हूं ऐसी नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन के लिए बाय बाय। Where you want to move like that? Where you want to go? Where you want to act like that?